इजराइल जंग के बीच हमास को लेकर बड़े दावे लगातार सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमास के आतंकी इजराइल में किसी केमिकल हथियार से अब हमले की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इसे लेकर ना ही इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने आया, ना ही हमास ने अब तक इसकी पुष्टि की है। लेकिन दावा है कि इजराइल में हमास के आतंकियों से एक ऐसा दस्तावेज मिला है जिसमें साइनाइड से हथियार बनाने का तरीका लिखा था। हमास का सबसे खूंखार प्लान लीक हो गया है। हमास का था 7 अक्टूबर से बड़ी तबाही का प्लान। केमिकल बम से हमला करना चाहता था हमास। 7 अक्टूबर को वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया। हमास के आतंकियों ने इसराइल के शहरों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। हमास के हमलों में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर आम लोग थे। इस हमले के बाद हमास के लड़ाके इसराइल के कई शहरों में घुस गए। इसराइल के शहरों में घुसपैठ के बाद हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम मचा दिया। 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें कई विदेशी नागरिक, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थी। इस हमले के बाद इसराइल ने गाजा पट्टी पर सिलसिलेवार तरीके से बमबारी की, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। लेकिन हमास के इसराइल पर हुए हमले को लेकर एक सबसे चौंकाने वाला दावा सामने आया। दरअसल इसराइल ने जवाबी हमला करते हुए हमास के आतंकियों को मार गिराया था। दावा है कि हमास के आतंकियों के पास से एक खास दस्तावेज मिला। इस दस्तावेज में साइनाइड हथियार बनाने का तरीका लिखा हुआ था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमास के आतंकवादी इन दस्तावेजों के जरिए कोई केमिकल हथियार बनाने की तैयारी कर रहे थे या पहले से ही उन्होंने कोई केमिकल हथियार बना लिया है। लेकिन हमास के आतंकियों से मिले इन दस्तावेजों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या हमास इसराइल में केमिकल बम से हमले की तैयारी कर रहा था? अगर इन दावों में सच्चाई है तो इसराइल में कहीं ज्यादा तबाही होती। हालांकि इन दावों को लेकर इसराइल और हमास दोनों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कई देशों में मौजूद अपने दूतावासों में एक संदेश भिजवाया। इस संदेश में इसराइल ने कहा कि हमास का इरादा इसराइल पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का था। अगर इसराइल के दावे में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब ये है कि हमास भी अलकायदा और आइसिस के रास्ते पर चल चुका है और दोनों संगठनों की तरह रासायनिक हथियार से तबाही का प्लान बना चुका है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई मौकों पर हमास को आइसिस से भी क्रूर बता चुके हैं और हमास को मिट्टी से मिटा देने की बात दोहरा चुके हैं। हमास इज आइसिस एंड जस्ट इज आइसिस वॉज क्रश्ड सो टू विल हमास बी क्रश्ड। And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. जैसे जैसे इसराइल और हमास की जंग तेज हो रही है, हमास को लेकर कई चौंकाने वाले दावे सामने आ चुके हैं। पहले उन्हें आइसिस से खूंखार बताया गया। इसके बाद दावा किया गया कि हमास के लड़ाके एक खास किस्म की ड्रग लेकर इसराइल में दाखिल हुए ताकि वो अपने डर को दूर कर इसराइल में बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचा सके। अब नया दावा केमिकल हथियारों को लेकर सामने आया है और दावा है कि हमास के लड़ाकों ने अलकायदा और आइसिस की तर्ज पर अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए केमिकल हथियार तैयार कर लिया है।